स्वदेशी मिसाइल अस्त्र को जल्द ही एयरफोर्स में शामिल किया जा सकता है। इसका फाइनल डेवलपमेंट ट्रायल सफलतापूर्वक कर लिया गया है। भारत का ये मिसाइल कार्यक्रम सबसे चुनौतीपूर्ण कार्यक्रमों में से एक माना जा रहा है। अस्त्र बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है। कहता है कि यह 40 से 60 किलोमीटर की दूरी पर टारगेट तबाह कर सकता है। इसके अलावा सेना को बारूदी सुरंग से बचाने के लिए भी एक सिस्टम तैयार किया गया है। अस्त्र से जुड़े प्रोजेक्ट को साल 2014 में मंजूरी मिली थी। सरकार की ओर से बताया गया है कि 11 से 14 सितंबर के बीच बंगाल की खाड़ी में चांदीपुर तट पर इसका डेवलपमेंट फ्लाइट ट्रायल किया गया, जो बिना पायलट वाले टारगेट विमान के खिलाफ था। एक साथ कई टारगेट को तबाह करने के लिए कई मिसाइलों को एक साथ छोड़ा गया। बताया गया है कि सभी सिस्टम ने सफलतापूर्वक काम किया है। रक्षा संगठन DRDO इस तरह के अत्याधुनिक मिसाइल बनाने के लिए वायुसेना के साथ काम कर रहा है। इसमें 50 से ज्यादा पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर कंपनियों की भागीदारी भी है। युद्धग्रस्त इलाके में भारतीय सेना किसी भी बारूदी सुरंग का शिकार होने से बच सके, इसके लिए रक्षा संगठन DRDO ने स्वदेशी ट्रायल सिस्टम बनाया है। यह सिस्टम बारूदी सुरंगों को भेद कर सेना के वाहनों के लिए सुरक्षित लेन तैयार करता है। DRDO के बनाए इस सिस्टम के नीचे कई बार ब्लास्ट के जरिए हाल ही में टेस्ट किया गया, जिसमें सिस्टम खुद को बचाने में कामयाब रहा। जल्द ही यह सिस्टम सेना को ट्रायल के लिए उपलब्ध करवाया जाएगा। अस्त्र मिसाइल आने से हमारी सेना को और बल मिलेगा, जिससे हम दुश्मनों का मुकाबला और आसानी से कर सकेंगे। दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें। आगे ऐसी खास खबर देखने के लिए मेरे साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।